जा रहे हैं एरे। अच्छा, ES6 एरे मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम नया वाला स्टेट ऑफ द आर्ट कोड पढ़ेंगे, हम पुराना वाला नहीं पढ़ रहे। अच्छा, एक मैंने ये फोल्डर इसके लिए अलग बना दिया, 15.ES6 एरे। ठीक है जी, एरे में वैसे कोई खास चेंज आया नहीं है ES6 में, लेकिन जहाँ पे चेंज होगा वो मैं बता दूंगा कि यहाँ पे चेंज है। ठीक है, वैसे एरे में मोर और लेस कोई चेंज नहीं आया। ES6 लिखने का मतलब ये है कि कल को आपको कोई बोले ना कि आपको ECMAScript 6 में आता है एरे बनाना, तो आप बोले हाँ आता है है ना, वरना आप कोई बोले यार पता नहीं ES6 में एरे कैसे बनता होगा, तो इसलिए मैंने लिखा ES6। अच्छा जी, तो हमने अभी तक जो वेरिएबल के जो टाइप्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो हमने कौन कौन सा पढ़ लिया है? नंबर एक स्ट्रिंग, नंबर दो नंबर, नंबर तीन बूलियन, है ना, स्ट्रिंग नंबर बूलियन, ये तीन डेटा टाइप हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसको डेटा टाइप भी कहते हैं, इसको वेरिएबल भी कहते हैं, एक ही चीज़ के ये दो तीन अलग अलग नाम हैं। अच्छा, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी वेरिएबल है लेकिन उसकी टाइप एरे होगी। अच्छा, कैसे बनाते हैं हम एक वेरिएबल, ज़रा वेरिएबल को भी गो थ्रू कर लेना हम कैसे बनाते थे। मैंने कहा कि भाई num1=5, ठीक है जी, तो ये हम एक नॉर्मल वेरिएबल को इस तरह बनाते थे। अच्छा, एक एरे टाइप का जो वेरिएबल है उसको हम कैसे बनाते हैं? मैंने कहा लेट नेम्स, ठीक है, एरे टाइप का जो वेरिएबल है उसमें कन्वेंशन है कि उसके नाम के साथ एस लाजमी होगा। आप एस नहीं भी लगाएंगे तो वेरिएबल तो बन जाएगा, लेकिन कन्वेंशन ये है कि एस लाजमी होगा। जैसे बूलियन के साथ हमने देखा था कि इज होता है, इज ओपन, इज एक्टिव, वो बूलियन होता है। तो ये एरे टाइप का जो वेरिएबल होगा ना उसके नाम के साथ एस होगा, ठीक है, ये ज़रूरी है। अच्छा, और वाइस वर्सा कि अगर कोई वेरिएबल एरे टाइप का नहीं है तो उसके नाम के साथ एस नहीं होगा, ये भी एक कन्वेंशन है। क्योंकि एस देखते ही ना सामने वाला जो अगर प्रोफेशनल डेवलपर है तो वो एस देखते ही उसको गुमान होगा कि ये एरे है, तो आपने बगैर एरे वाले वेरिएबल में ना एस नहीं लगाना, ये भी कन्वेंशन है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट 5 लिखते थे ना, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अच्छा, दरमियान में एक मैंने लिखा नंबर 2, 4, 1, 6 एक और, चार नंबर मैंने लिख दिए दरमियान में इसके, ठीक है। अच्छा, तो ये चारों सेव कर लेगा एक ही साथ, ये चारों वैल्यू को सेव कर लेगा। अच्छा, अगर मैं मिसाल के तौर पे इसमें ये करूँ ना कि num1=5 के बाद मैं इसमें डालूँ 2, तो क्या होता है, 5 ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह पे 2 आ जाता है। तो इस वाले नॉर्मल जो नंबर का वेरिएबल है उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं होता कि आप एक साथ दो वैल्यू रखवा सकें, एक ही वैल्यू रहेगी। जितने बड़े से बड़ा नंबर मैं इसमें डाल दूँ, ठीक है, या छोटे से छोटा नंबर डाल दूँ, रहेगा एक नंबर लेकिन दो नहीं होगा एक वक्त में। इसमें क्या होता है कि 1, 2, 3, 4 और इसकी कोई लिमिट नहीं, आप जितने चाहें इसमें नंबर्स आप इसमें सेव करवा सकते हैं एट द सेम टाइम। अच्छा, तो ये कंस्ट्रक्ट करना हम सीख गए, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन है मेरा एक, चल वो क्वेश्चन बाद में पूछूंगा मैं। अच्छा, एक नॉर्मल सा जो वेरिएबल होता है इसको मैं अगर मुझे एक्सेस करना हो, इसको कंसोल पे प्रिंट करवाना हो, तो वो मैं कैसे करवाता हूँ, मैं जस्ट इसका नाम लिख देता हूँ, ठीक है। इस एरे टाइप के वेरिएबल को भी मैं क्या करूँगा, कॉन्सोल डॉट लॉग पे जाके इसका नाम लिख दूँगा, ठीक है, इसका नाम लिख के मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। अच्छा, चल आगे ज़रा देख लेते हैं कि इसके नाम लिख के प्रिंट करने से ये किस तरह से ये बिहेव करता है। ठीक है जी, देखो एरे लिखा हुआ आ गया और उसको खोलता हूँ मैं तो चारों वैल्यू लिखी भी आ गई, ये हो गया। अच्छा, लेकिन अब मैंने क्या करना है, मिसाल के तौर पे कोडिंग यहाँ चाहिए और बुक मुझे सबसे पहले चाहिए टॉप। अच्छा, तो नम के साथ मैं एक और नम बना देता हूँ, num2, ठीक है,
ठीक है। अब मुझे num1 और num2 को आपस में जो प्लस करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, num1 और प्लस num2 कर देता हूँ, तो ये प्लस होके प्रिंट हो जाएगा। सेम काम मुझे इसके साथ करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मैं नेम्स तो एरे है, एरे के साथ ये प्लस माइनस परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक वैल्यू होगी तो प्लस होगा ना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ नेम्स, नेम्स वैसे मैंने लिखा है इसके अंदर, इसमें नंबर लिख दिया मैंने, इसमें मैं लिख देता हूँ नम्स, ठीक है, एन यू एम एस, ठीक है, अभी नेम्स वाला भी करते हैं। अच्छा नम्स है ये, नंबर्स है मेरे पास ये, तो अब ये नम्स के साथ अगर मैं प्लस करता हूँ टू, तो ये किसके साथ प्लस करेगा फिर, है ना, ये इस टू के साथ करेगा या इस फोर के साथ करेगा या इस वन के साथ या सिक्स के साथ, ठीक है, तो ये एरर दे देगा, ये प्लस नहीं करेगा। अच्छा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो नम है ना, इसका इंडेक्स ज़ीरो। अच्छा नम का इंडेक्स ज़ीरो जब मैं लिखूँगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये पहली वैल्यू रिटर्न करेगा। अच्छा ये असल में क्या है, कलेक्टिव वेरिएबल कहलाता है, कलेक्टिव वेरिएबल है, इसमें असल में देखने में तो ये एक वेरिएबल है, लेकिन अंदर से ये चार वेरिएबल्स हैं, चार की जगह ले रहा है ये, है ना। अच्छा तो मैं जब लिखूंगा ना नम ज़ीरो, अभी मैं प्लस नहीं करता, अभी मैं जस्ट नम ज़ीरो को प्रिंट करवाता हूँ। अच्छा फिर मुझे इस सेकंड वाले को करना है अगर एक्सेस, तो मैं क्या करूँगा, मैं वन लिख दूंगा, फिर थर्ड वाले को लिख दूंगा तो टू लिख दूंगा मैं, फिर उसके बाद थ्री लिख दूंगा। तो मैं चारों वेरिएबल को अलहदा अलहदा अगर मुझे एक्सेस करना है या प्रिंट करवाना है या किसी चीज़ के साथ ऑपरेशन करवाना है मुझे कोई मैथमेटिकल, तो मैं अलग अलग इसको ऐसे चारों को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल वेरिएबल में मुझे ज़ीरो वन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक ही होता है, सिंगल वैल्यू होती है। एरे में क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, तो मुझे ज़ीरो वन से लेकर थ्री तक इन चारों वैल्यू को मैंने एक्सेस किया। तो देख लेते हैं ज़रा प्रिंट करके इसको हम, कि क्या ये ऐसे ही चल रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया प्रिंट ये, ठीक है। 82416, ये अलग अलग लाइनों में है, 18 लाइन नंबर, 22 फिर 23 फिर 24 25, ठीक है। तो ये चार अलग अलग लाइनों से ये मुझे मिला है। सबसे पहला वाला तो है वो माई नम, ये वाला है ना, ये वाला 5 और 3 8, लाइन नंबर 18 से ये आया है, ठीक है। ये देखो लाइन नंबर 18 से ये यहाँ पे लिखा हुआ बता रहा है, और फिर 22 23 24 और 25 में क्या आया है, 2416, ठीक है, ये रहा 2416 2 4 1 और ये 6, तो ये अलहदा अलहदा एक्सेस हो गया। अच्छा तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, एरे को कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया कि एरे बनता कैसे, एरे को एक्सेस करना सीख लिया। अब एरे को मॉडिफाई करना अगर पड़ जाए हमें, तो नॉर्मल वेरिएबल को मॉडिफाई कैसे करते हैं आमतौर पर, मैंने कहा कि num1 में 5 था ना, तो मैंने कहा num1 equals to 8, और num1 को अब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे 8 मिलेगा, है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इस 2 की जगह पे कुछ और चाहिए मुझे, बाकियों को चेंज नहीं करना चाह रहा मैं, जस्ट इस 2 को चेंज करना है मैंने, तो मैं कैसे करूँगा चेंज, मैं कहूँगा नम्स का इंडेक्स 0 इक्वल्स टू मे बी 5, ठीक है। तो ये इंडेक्स 0 का मतलब है, ये नम 0 का मतलब है, नम का इंडेक्स 0 का मतलब है ये वाला पार्ट, और मैंने कहा इक्वल्स टू 5, तो ये 2 हट जाएगा और इसकी जगह पे ये नई वैल्यू चली जाएगी 5। तो अब यहाँ पे जब मैं नम 0 को प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 5 प्रिंट होना चाहिए, आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो 5 प्रिंट हो रहा है, लाइन नंबर 24 से जो मेरे पास कॉन्सोल आ रहा है उसमें 5 प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ये लाइन नंबर 24 से ही कॉन्सोल आ रहा है, 5 प्रिंट हो रहा है। अच्छा इसी तरह अगर मैं दूसरे को भी चेंज करना चाहूँ 1 को, मैंने कहा इसमें भी 5 कर दो आप, ठीक है, और 2 और 3 सब में 5 करवा दिया मैंने, तो अब यहाँ पर चारों में 5 आ जाना चाहिए, चारों में 5 आ गया, ठीक है। आसान है, मुश्किल तो नहीं है, एरे टाइप का वेरिएबल, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा अब कौन मुझे ये बताएगा सोच के कि 0 1 2 3 का तक तो वैल्यू मौजूद थी इसके अंदर, अब मैं अगर फोर्थ इंडेक्स यानी कि पांचवा इंडेक्स, तो ये 0 से क्योंकि 0 बेस है वो, तो 4 का मतलब पांचवा इंडेक्स, अगर मैं ये प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे क्या प्रिंट होके मिलेगा, या एरर आ जाएगा, क्या होगा, जिन लोगों को थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है पहले से, अनडिफाइन आएगा, आर यू श्योर, कितने लोगों का ख्याल है कि अनडिफाइन आएगा, अच्छा बाकी लोगों का क्या ख्याल है,
आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, नहीं जीरो इंडेक्स नहीं, ये एक ऐसा इंडेक्स मैं प्रिंट करवा रहा हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो मौजूद नहीं है। अच्छा ये अनडिफाइन आएगा बाय द वे, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स मौजूद नहीं होगा उसको अगर मैंने प्रिंट करवाने की कोशिश की तो अनडिफाइन आएगा। अच्छा तो ये तो हो गया। अच्छा अब एरे के अंदर अब मैं पाँचवा इंडेक्स ऐड कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ऐड कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में भी मैं इस नम वन के अंदर मैं स्ट्रिंग ऐड कर सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट के एरे के अंदर भी मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग और नंबर का कॉम्बिनेशन रख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, सही है। प्रिंट किया मैंने, अब यहाँ पे कार आने लग गया, पहले जहाँ पे अनडिफाइन आ रहा था। अच्छा इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे ट्रू रख दूँ एक अदद, बूलियन टाइप का वेरिएबल, तो भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर बूलियन भी एक वेरिएबल में रख सकते हैं, पहले नंबर हो तो बाद में बूलियन हो जाता है, ठीक है। आके मैं इसको यहाँ पे इंडेक्स नंबर पाँच को प्रिंट करवा देता हूँ, यानी कि छठा इंडेक्स। तो यहाँ पे ट्रू ही है, सही प्रिंट होने लग गया। और कौन सा डेटा टाइप इसमें मिसिंग है? ये तीनों डेटा टाइप हो गए, है ना। तो अब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं, ज़्यादातर ऐसी होती है बाय द वे, कि जिसमें एरे में ना सिर्फ एक तरह का डेटा होता है, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में किसी भी किस्म का डेटा आप एरे में रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है यूनिवर्सिटी में? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है? दो। मुझे बता सकते हो इसका डेटा स्ट्रक्चर क्या बनता है? व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ दिस मंजन? नहीं, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं भाई जान? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं सवाल। इंटीजर, स्ट्रिंग और डबल और डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो हम डेटा टाइप्स बता रहे हो। ये डेटा टाइप्स हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं। हाँ हाँ, क्यू होता है, लिंक लिस्ट होता है, ये होता है डेटा स्ट्रक्चर। हाँ और आगे ट्री होता है, बिल्कुल। और सॉर्टिंग टेक्निक नहीं, अभी तो स्टैक होता है, बिल्कुल। ये कौन सा वाला है? हैं, ये कौन सा वाला है? अच्छा सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूँ जो डेटा स्ट्रक्चर जिन्होंने पढ़ा हुआ है, ये एरे भी है, लिंक लिस्ट भी है और क्यू भी है, ये सब है, ये सही है। ये जितने पॉसिबल डेटा स्ट्रक्चर है ना, सब है, ये सब इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है। हाँ स्टैक भी है, नहीं स्टैक तो असल में एरे ही होता है ना, एरे जो होता है वो स्टैक होता है। हाँ बोलो, क्या चेंजेस किए हैं बाद में? ये जो मैंने कार और ट्रू लगाया, ये वाला यहाँ पे मैंने जो चेंज किया इसको, ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि देखो हमने तीन चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले हम एरे को कंस्ट्रक्ट करना सीखा है कि एरे बनेगा कैसे, दूसरा उसको मॉडिफाई करना सीखा है, और तीसरा हमने उसको एक्सेस करना सीखा है, यानी प्रिंट करवाना। नहीं तो यही होता है ना, एक डेटा टाइप जब मैं सीखूंगा नया तो उसमें यही तीनों चीज़ें हैं ना जो सीखनी होती हैं मुझे भाई, एक वेरिएबल बनाना, उस वेरिएबल को चेंज करना और उस वेरिएबल को प्रिंट करना, यही तीन चीज़ें हैं ना, ठीक है। तो वो तीनों चीज़ें एरे की अब आपको आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए अब इससे, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आसान है, मुश्किल तो नहीं है जी? कॉन्स्ट करने से ना ये चीज़ें सेट चलेंगी, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है इसको। अब ये इसका जवाब जो है ना अभी आगे आ जाएगा, ठीक है। अभी जो हमने कल जो पढ़ी थी ना बात, मेमोरी वाली बात, अभी वो उससे इसका जवाब निकलेगा कॉन्स्ट का, कि ये कॉन्स्ट करने से ये मसला क्यों नहीं होता इसको, और पुश भी सही चलता है इस पर, वो क्यों होता है ऐसा, ये इसका जवाब उसमें छुपा हुआ है, ठीक है। जब जो लास्ट वाली हमने क्लास पढ़ी थी ना, जब तक वो क्लास अच्छे से किसी को समझ नहीं आई, एरे और ऑब्जेक्ट समझ कभी भी ज़िंदगी में ही नहीं आएगा। अभी मैं एक दो चीज़ें करूँगा एरे में, जिन लोगों ने पहले से प्रोग्रामिंग पढ़ी है उनका
बोलेंगे ये क्या हो गया, ठीक है। खैर तो अभी अभी तो सिंपल वाला तो पहले असाइनमेंट क्या दिया था, अरे हाँ असाइनमेंट दिया था मैंने। चलो अभी तो ये टॉपिक शुरू हो गया, इसको तो चलाएं अभी। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई और सवाल, किसी का कोई और सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ से। अब अगर मैं इसके अगले इंडेक्स पे एक और एरे रखवा दूँ, 2, 3, 4, हाँ भाई एक और एरे रखवा दिया मैंने। एरे था पहले इंडेक्स में नंबर, फिर स्ट्रिंग एक इंडेक्स में, फिर उसके बाद बूलियन, और उसके बाद मैंने एक और एरे ही रखवा दिया उसमें, है ना। तो ये भी पॉसिबल है, ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब कौन मुझे बताएगा कि इसको मैं एक्सेस कैसे करूँगा, जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है ना, वो बोलते होंगे कि क्यों बोल दिया हमने कि थोड़ी बहुत अच्छा हाँ भाई आसान है, मुश्किल नहीं है भाई दबाइए। तो पहले तो ये इंडेक्स कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंडेक्स है ये। अच्छा तो 6 इंडेक्स मैंने लिखा ऐसे, तो अब तो मुझे ये पूरा एरे मिलेगा इसमें, लेकिन मुझे इस 2 को एक्सेस करना है, वो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पे मैं एक और लगाऊंगा और मैं बोलूँगा 0, ठीक है, ऐसे होगा ये एक्सेस। अच्छा चल आगे देखते हैं इसको, ठीक है। तो देखो 2 ये ऊपर 8 क्यों आ रहा है, इसको भी रोक दो ना, सही है सही है। तो ये 2 मुझे मिल गया। अच्छा अगर मैं ये 0 नहीं लगाऊंगा ना, तो देखो फिर मुझे पूरा वो एरे मिलेगा जो वहाँ रखा हुआ है। देखो 3 आइटम एरे जो है ना, पूरा 3 आइटम मिल गया मुझे। अच्छा तो इस तरह का जो एरे होता है कि भाई एक एरे है उसके अंदर एक और एरे है, इसको हम कहते हैं नेस्टेड एरे, सही है कि भाई एक एरे में एक दूसरा एरे, नेस्ट जैसे घोंसला होता है ना कि एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर दूसरा, सॉरी वो उस इंडेक्स पे है ना, ये छठा इंडेक्स है ना, 0 पहला इंडेक्स 0 होता है, दूसरा 1 होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अच्छा वैसे 1 से गिनोगे तो 7th है, लेकिन ये इंडेक्स हमेशा 0 बेस होता है, ठीक है। एरे का इंडेक्स 0 बेस होता है, 0 से शुरू होता है, तो पहला वाला 0 है। अच्छा अच्छा जी तो मुझे इस 2 को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा 0। अच्छा अब अगर मुझे 3 को एक्सेस करना है तो यहाँ पे 1 लगा दूंगा, और इस 4 को एक्सेस करना है तो 2 लगा दूंगा, ठीक है। तो ये तीनों एरे मेरे पास क्या हो गए, एक्सेस हो गए, ठीक है, 2, 3 और 4। अच्छा नेस्टेड एरे हम यहाँ पे नेस्टेड एरे हमने पूरा कर लिया। अच्छा अभी आपके सवाल लेते हैं, इस पूरे कोड को मैं कर रहा हूँ कमेंट। अब नीचे जो है ना एक अच्छा आप दोस्त पूछ रहे थे कि एक अगर नेस्टेड एरे के अंदर एक और एरे हम क्या लगा सकते हैं, जी बिल्कुल हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने क्या बनाने जा रहा हूँ, एक 2 डायमेंशन एरे बनाने जा रहा हूँ, या नेस्टेड एरे उसको कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक ब्लू कलर का जो ये दिख रहा है ना, इसको मैं लाइन को ब्रेक भी कर सकता हूँ जस्ट टू मेक इट क्लियर। अच्छा ये ब्लू से जो शुरू है और ये ब्लू से जो ख़त्म है, ये है मेन एरे। अच्छा ये उसके अंदर क्या है, ये नेस्टेड एरे है। अच्छा तो ये एक एरे के अंदर जब एक एरे होता है ना, इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशन एरे, सही है, क्योंकि नेस्टेड तो है लेकिन कितना नेस्टेड है। अब ये 3 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशन का मतलब होगा कि इसमें से किसी एक के अंदर भी ना एक और एरे आ जाए, लेकिन आमतौर पर ना 2 डायमेंशन से ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ बहुत रेयर केसेस में ना 3 डायमेंशन का एरे बनाना पड़ता है हमें, कुछ ऐसी लॉजिक्स होती हैं जिनको जिनके लिए 3 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ जाती है हमें, ठीक है। जैसे एक्स वाई जेड आमतौर पर जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें हमें 3 डायमेंशन चाहिए होता है, तो क्या कहते हैं, वरना आमतौर पर हमें 3 डायमेंशन तक जाने की ज़रूरत
नहीं पड़ती है, दो डायमेंशन में ना मोस्ट ऑफ द जो 80% काम होते हैं ना वो सब हो जाता है, ठीक है, टू डायमेंशन एरे के अंदर। तो इस तरह के एरे को आप गौर से देख लें और समझ लें, इसको हम टू डायमेंशन एरे कहते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इसको हमने क्या करना है, तमाम इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। कॉन्सोल डॉट लॉग, ये जस्ट प्रैक्टिस है एरे की, ताकि देखने की और उसकी आदत हो जाए, आपने घर पे हाथ से भी करना है जाके। अच्छा, तो मैंने कहा कि ARR का इंडेक्स, अब मुझे ये पहले वाले को करना है टू को, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इस इंडेक्स, इंडेक्स ज़ीरो, और बस हो जाएगा टू एक्सेस, आगे एक और ज़ीरो लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, जब मैंने इतना लिखा ना ARR का इंडेक्स ज़ीरो, तो ये ARR ये ब्लू वाला है, ठीक है। अच्छा, तो ब्लू वाला जो एरे है इसका जो वन इंडेक्स है ये इतना पार्ट है, तो इतना पार्ट मुझे मिल जाएगा क्या लिखने से, ARR ज़ीरो लिखने से, है ना, इतना पार्ट मुझे मिल जाएगा। अच्छा, फिर मैं इसमें एक और ज़ीरो लगाऊंगा ना जब, तो ये असल में इस वाले एरे का मैं कह रहा हूँ, तो मुझे ये टू मिल जाएगा। अच्छा, अब मुझे थ्री को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ, ज़ीरो वन लिखूँगा मैं, सही है। अब मुझे फोर को एक्सेस करना है, ज़ीरो टू लिख दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस वन को एक्सेस करना है, ओहो, ठीक है, अब पहला वाला वन हो जाएगा और दूसरा वाला ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस मेन एरे का ये अब वन इंडेक्स है, ज़ीरो इंडेक्स में, तो ये मैंने कहा कि वन इंडेक्स और वन इंडेक्स का ज़ीरो। अब मुझे इस टू को एक्सेस करना है, वन वन, करेक्ट। अब मुझे इस थ्री को एक्सेस करना है, वन टू, ठीक है, इस फाइव को एक्सेस करना है, टू और ज़ीरो, बिल्कुल सही। टू और ज़ीरो, अब इस थ्री को एक्सेस करना है, टू वन। अच्छा, और इस टू को अब एक्सेस करना है, टू और टू, ठीक है जी। अब इसको ज़रा चला के देख लेते हैं कि क्या ये सारे के सारे नंबर्स मुझे एक्सेस हो गए हैं। जी हाँ, सारे सारे नंबर एक्सेस हो गए हैं, ठीक है, और उसी सीक्वेंस में हुए हैं जिस सीक्वेंस में मुझे चाहिए था, ठीक है ना, टू थ्री फोर वन टू, ऐसे ना, टू थ्री फोर वन टू, ऐसे करोगे, हाँ। अच्छा, ये एरे में कुछ भी हो सकता है, अभी मेरे केस में नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जगह पे स्ट्रिंग भी हो सकता है, इसकी जगह पे बूलियन भी हो सकता है, या इसकी जगह पे एक दूसरा एरे भी, वो तो देख ही लिया आपने। एक डेटा टाइप और है, वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं, ऑब्जेक्ट, वो भी हो सकता है इसकी जगह पे, ठीक है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग का जो बिहेवियर होता है वो आ जाएगा। हाँ, अगर बिल्कुल कुछ ना रखूँ मैं, ऐसे लगा दूँ, तो फिर अनडिफाइन होगा वो, अनडिफाइन किया, बल्कि शायद वो एरर ही दे दे, ना अनडिफाइन दे दिया इसने, एरर नहीं दिया, बिल्कुल ही गायब कर दिया ना मैंने, जस्ट कॉमा लगा के छोड़ दिया, तो मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू एटलीस्ट लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज ये अनडिफाइन रहेगा। अच्छा, ये वाली बात समझ आ गई, टू डायमेंशन एरे वाली बात। अच्छा, अब मेरे भाई आ गया एक और टू डायमेंशन एरे। इस एरे को देख के किस चीज़ की याद आ रही है, मैट्रिक्स वन, मैट्रिक्स टू, वैल्यूज इसकी चेंज कर देता हूँ, सही है, वैल्यूज थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अगला काम, इन दोनों को मुझे प्लस करना है, कैसे होगा ये काम भाई, आसान है बिल्कुल भाई। यहाँ पे ARR जो लिखा हुआ है ना मैंने, मैट्रिक्स वन मैट्रिक्स टू था ना ये, तो मैट्रिक्स वन का ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ प्लस कर दूंगा मैं मैट्रिक्स टू के ज़ीरो ज़ीरो से, क्योंकि मैट्रिक्स में तो यही होता है ना कि क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे इसका जो ये वाला इंडेक्स है ज़ीरो बाई ज़ीरो, वो इसके ज़ीरो बाई ज़ीरो से ऐड होता है और रिजल्ट में ज़ीरो बाई ज़ीरो पर ही चला जाता है, यही होता है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं जिस जिस का ये नंबर लिखा हुआ है उस के साथ इसको ऐड कराता जाऊँगा, तो दोनों मैट्रिक्स सम हो जाएंगे, ऐसा ही है ना,
अच्छा तो मैं इस ARR को क्या कर देता हूँ, सारे को कंट्रोल सेलेक्ट करके ना मैट्रिक्स बन कर दिया मैंने सबको, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, और इसको प्लस किया मैंने, और ये मैट्रिक्स टू इस पे लगा दिया मैंने। अब ये प्लस होके प्रिंट होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस होके प्रिंट हो जाएगा। आ जाओ देख लेते हैं, रिफ्रेश किया, ये प्लस होके प्रिंट हो गया। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल अभी प्लस तो कर लें, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट पे असाइनमेंट हो जाए फिर एक, कि आपने एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म में इनपुट बॉक्सेस होते हैं, है ना। इनपुट बॉक्स को आपने ऐसे सजाना है कि वो लगे कि मैट्रिक्स इनपुट ले रहे हैं आप। इनपुट बॉक्स को छोटा छोटा करके, इनपुट बॉक्स बाई डिफॉल्ट तो 15-20 कैरेक्टर का होता है, लेकिन उसको छोटा भी तो कर सकते हैं, 2-3 कैरेक्टर का बना सकते हैं। तो आपने 9 इनपुट बॉक्सेस एक तरफ लगाने हैं, मैट्रिक्स 1 का इनपुट है ये, और 9 इनपुट बॉक्स आपने दूसरी तरफ लगाने हैं, ये मैट्रिक्स 2 का इनपुट है। और एक बटन होगा सम, जब मैं सम का बटन प्रेस करूं तो ये ऐसे प्लस हो के ना नीचे उसी अलाइन हो के ना ऐसे प्रिंट हो जाए, नीचे उसका सम हो जाएगा ये आराम से। ये आपने करके लाना है, ठीक है। ये एक असाइनमेंट आप नोट डाउन कर लें। अभी तक कितने हो गए वैसे बाय द वे जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट, कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा था? ग्रेट कैलकुलेटर था इफ एल्स के साथ। दूसरा BMI कैलकुलेटर था। हाँ, तीसरा जो था वो सिंपल कैलकुलेटर था, जो दो नंबर को जस्ट प्लस करता था या माइनस करता था। अच्छा, और चौथा प्रेजेंटेशन, जो अभी पता नहीं आप लोगों ने बनाई है या नहीं। और ये पांचवा हो गया, टेम्परेचर वाला भी एक था, छठा, छः था। तो ये आप फौरन फौरन बनाते जाएं ताकि जब सबमिशन का टाइम आए तो आप फौरन सबमिट। अच्छा नहीं तो टेम्परेचर वाला भी बना लो, क्या हो गया, सही है, बना लेना, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, तो चलो ये बात समझ आ गई कि भाई ये मतलब एक मैंने आपको यूज़ केस बताया कि भाई आपको ना टू डायमेंशन एरे की ज़रूरत पड़ेगी कहाँ पे। तो मैट्रिक्स जो है इसका वो एक क्लासिक यूज़ केस है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे शायद, ये सवाल वैसे आना चाहिए था किसी के पास से लेकिन ये आया नहीं सवाल। वो ये सवाल है कि क्या मुझे ऐसे करके बनाना ज़रूरी है? भाई ये तो 9 नंबर ही लेने की बात है ना, तो 9 नंबर के लिए मैं 9 अलग अलग वेरिएबल बना लेता हूँ, और फॉर्म से जो मेरे पास आएगा इनपुट वो 9 अलग अलग वेरिएबल में मैंने डाला और उसको मैंने सम करा दिया, तो बात तो एक ही है। मतलब इतना मुश्किल करके एक एरे के अंदर दूसरा एरे डाल के और ऐसे बड़ी मुश्किल से जो बन रहा है, फिर उसको एक्सेस करना भी मुश्किल है कि 0.0, 1.1 का ख्याल रखना पड़ता है, तो इसका कोई फ़ायदा तो अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है? हाँ, वेरिएबल एक ही बन रहा है बस ये। लेकिन अगर हम फॉर्म से इनपुट ले रहे हैं, अगर फॉर्म से इनपुट आ रहा है मेरे पास, तो वेरिएबल एक हो या 10 अलग अलग हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, मतलब यूज़र को ना स्पीड में कोई फ़र्क पड़ेगा ना कुछ। अच्छा, फिर दूसरी बात, मेमोरी में जो जगह लेने की बात है, तो कौन मुझे बताएगा कि ये मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है ये वाला? चलो इसको सिंपल कर देते हैं, ये एरे हटा देता हूँ मैं इसमें से। ये कितनी जगह लेगा मेमोरी में? एक बिट, एक बाइट नहीं, वो तो नंबर लेता है, 64 बिट तो नंबर ले लेता है सिर्फ, एक नंबर वेरिएबल। तो एक बिट में इतना सारा डेटा कैसे स्टोर हो गया? थ्योरेटिकली भी ये बात पॉसिबल नहीं है। कितनी ये मेमोरी में जगह ले रहा होगा लास्ट क्लास के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आपने समझा होगा तो आप बता पाएंगे। 32 बाइट, कैसे कैलकुलेट किया? अच्छा, ये जितने भी इंडेक्सेस हैं ये सब 8-8 बाइट लेंगे आप ये कह रहे हैं? एक एक बाइट 64 बिट का तो नंबर वेरिएबल होता है। हाँ भाई, कोई था प्रेजेंट लास्ट क्लास में या नहीं था? 34 क्या 34 बिट या बाइट, कैसे कैलकुलेट किया?
एक बाइट में तो कितने कैरेक्टर सेव होंगे एक बाइट में? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बेहतर आंसर लेकिन तुम लोगों ने डिसअपॉइंट किया मुझे। वेल एरे जो है, एरे का अपना कोई साइज़ नहीं होता, इन थ्योरी की बात हो रही है, ये प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एरे का अपना कोई साइज़ नहीं होता, एरे फ्लेक्सिबल होता है, उसमें जितना डेटा डालते हैं उतना वो ले लेता है जगह। और क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे एक नंबर वेरिएबल जो है वो 64 बिट लेता है, तो चार इसमें नंबर्स हैं तो 64 मल्टीप्लाई बाई चार है ना, तो ये कितने बाइट बिट हो गए, 64 मल्टीप्लाई बाई फोर, तो ये 256 बिट तो ये हो गए। अच्छा 256 बिट ये हो गए। अच्छा ये स्ट्रिंग कितना लेता है जगह मेमोरी में? एक बिट लेता है, एक बाइट लेता है। वो तो मैंने साइन वेरिएबल का बनाया था, तुमने साइन वेरिएबल को और स्ट्रिंग को मिक्स कर दिया। स्ट्रिंग जो है वो पर कैरेक्टर 2 बाइट लेता है। UTF-16 की इनकोडिंग यूज़ करता है जावास्क्रिप्ट, तो UTF-16 यूज़ करने की वजह से एक कैरेक्टर 2 बाइट लेता है, तो ये 3 कैरेक्टर है तो ये इतना लेगा 6 बाइट, ठीक है। तो ये 8-8 बाइट इसने लिया था, 8 × 16 = 32 और 6 38 हो गया। अब 38 के बाद ये जो है कितना लेता है मेमोरी में जगह? ट्रू 8 बाइट, एक बाइट। गलत जवाब, एक बिट लेगा ना यार, ट्रू फॉल्स तो एक बिट लेगा, इन थ्योरी एक बिट लेता है ये, ठीक है। प्रैक्टिकली ये 2-3-4 एक्स्ट्रा बिट ले रहा होता है, लेकिन इन थ्योरी एक लेना चाहिए, एक से ज़्यादा की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये जितने भी बन गए, ये 16 × 32 ये बन गए, और 32 × 6 = 38 हो गए, ये 38 बाइट और एक बिट, ये इसका टोटल मेमोरी में साइज़ बनना चाहिए इन थ्योरी। प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, एरे थोड़ा सा कुछ अपने लिए रखता है जगह किसी चीज़ के लिए, वो V8 इंजन की स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा वो भी ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी भी करता है, कि कुछ ब्राउज़र वो एरे के लिए थोड़ा सा कम या थोड़ा सा इस तरह का भी चक्कर है, वो इंटरनली है, उससे हमें इतना लेना देना नहीं है कोई। ये मोटी मोटी बात है लेकिन ये पता होनी चाहिए आपको, ये मोटी मोटी जो थ्योरी वाली बात है ना, ये पता होने से आपको क्या होता है, चीज़ों का डिसीजन लेने में आसानी होती है, आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है, ठीक है। ये वाली बातें अगर आपको इंटरनल पता हो तो, कि इंटरनली ये चीज़ें हैंडल हो रही कैसे आखिर। अच्छा अब आ जाते हैं हम आगे, एक लास्ट हमारा टॉपिक है वो करके जो है ना फिर हम अच्छा जी, एक मैंने एरे बनाया, उसमें 3 आइटम रखे मैंने, इट डजेंट मैटर कि वो नंबर है या स्ट्रिंग है, एक ही बात है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने स्ट्रिंग रख दिया क्योंकि नंबर से हमने बहुत कर लिया, अब स्ट्रिंग को देते हैं थोड़ा चांस। उसके बाद मैंने कहा कि लेट कॉपी इक्वल्स टू ARR, ठीक है, यानी मैंने उसका एक कॉपी बना ली। अच्छा अब मैं दोनों को यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि वो कॉपी सही बन गई कि नहीं बन गई। अच्छा तो मैंने कहा कि यार ARR सही है और कॉपी, तो मैंने ARR को भी प्रिंट करवाया, कॉपी को भी प्रिंट करवाया, ठीक है जी। ARR और कॉपी में दोनों में सेम डेटा प्रिंट हो गया, दोनों में सेम डेटा प्रिंट हो गया। अच्छा अब मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कॉपी का जो इंडेक्स 0 है ना, अब कॉपी में मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ओरिजिनल एरे में चेंजेस मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कॉपी का जो इंडेक्स 0 है ना, यानी इस मैं 0 इंडेक्स में क्या था, कार था, तो मैंने इसके अंदर लगा दिया कि ऑडी, सही है। तो सिर्फ कॉपी का 0 चेंज होना चाहिए। अच्छा ये करवाने के बाद मैं क्या करता हूँ, दोनों आइटम को दोबारा प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, ARR को भी और कॉपी को भी। अच्छा ARR जो है उसमें क्या आना चाहिए, जो ओरिजिनल वैल्यू थी इसकी वही आनी चाहिए,
और कॉपी के अंदर एक पहला इंडेक्स सिर्फ चेंज होना चाहिए, बाकी सेम रहना चाहिए। अच्छा अब देख लेते हैं कि ये क्या चक्कर है। ये पहली दफ़ा प्रिंट था और ये ओए ये क्या हुआ? नहीं एक मिनट, मैंने यहाँ पे कोई गड़बड़ की है ना, ये तो ऐसे है, ये थोड़ी लगेगा, ये एरर थोड़ी लगी, तो मैंने ज़ीरो लगा दिया पहली, वो सिर्फ स्ट्रिंग लगना था, मैंने गलती से वो लगा दिया था। अच्छा तो पहले में तो ये सेट है बिल्कुल, लेकिन जैसे ही सेकंड टाइम ये कॉन्सोल हुआ है ना, तो ऑडी सिर्फ कॉपी में आना चाहिए था, ये ऑडी ओरिजिनल में भी घुस गई। अब या तो ऑडी की स्पीड बहुत तेज़ है कि सब जगह चली जाती है। नहीं ये तो मैंने कॉपी बना दी ना इसको, मैंने कहा कि एआरआर को उठा के कॉपी में फेंक दो। अच्छा तो सेम चीज़ अगर मैं ये स्ट्रिंग, अगर बगैर एरे के अगर मैं स्ट्रिंग रखूँ तो भी ये फिनोमेना सेम होना चाहिए जो आपने थ्योरी बताई, तो कर लेते हैं। लेट नेम इक्वल टू क्या था इसमें, कार थी हमारे पास, और मैंने कहा कि लेट नेम कॉपी, मैंने नेम की कॉपी बना ली, मैंने कहा नेम, मैंने कहा कि इस नेम को उठा के इस कॉपी में फेंक दो, है ना। और अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्सोल करता हूँ दोनों को, मैंने कहा कि एक नेम को कॉन्सोल करो और एक नेम कॉपी को कॉन्सोल करो। तो नेम में अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी के नेम में पहले कार था, और मैंने क्या किया, नेम को उठा के इसमें डाल दिया। अब मैं कॉपी में चेंजेस तो की नहीं, मैंने वो भी तो करना है। नेम कॉपी जो है इक्वल्स टू मैंने कर दिया इसको ट्रक, ठीक है। तो अब ये सिर्फ कॉपी में चेंज होना चाहिए या ओरिजिनल नेम में भी चेंज हो जाना चाहिए? ओरिजिनल में भी हो जाना चाहिए। हाँ भाई अब मैंने दोनों को यहाँ प्रिंट करवाया है, आके देखते हैं। नेम कॉपी में जो है ट्रक ही है, और नेम के अंदर जो है वो कार ही है, ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब मैं कॉपी में चेंज करता हूँ तो ओरिजिनल में चेंज नहीं आता। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, कॉपी में चेंज करने के बजाय मैं एक्चुअल में चेंज कर देता हूँ तो कॉपी में चेंज नहीं आएगा, सही है, ठीक है। अभी भी नेम अलग है और कॉपी अलग है, जिसमें चेंज कर रहा हूँ उसी में चेंज हो रहा है, दूसरे वाले में चेंज नहीं हो रहा है। स्ट्रिंग के केस में मैंने स्ट्रिंग को उड़ा दिया वापस, वापस हम एरे पे आ जाते हैं। अच्छा अब एरे में हम क्या करते हैं, अभी मैं कॉपी में चेंज कर रहा हूँ ना, अब मैं ओरिजिनल एरे में चेंज करता हूँ, मैंने ओरिजिनल एरे में अब चेंज किया तो कॉपी में नहीं चेंज आना चाहिए, अब कॉपी में चेंज अब नहीं आना चाहिए, यानी ऑडी मैंने कर दिया ओरिजिनल एरे के इंडेक्स जीरो पे, कॉपी वाले में नहीं किया मैंने, ठीक है। लेकिन अभी भी ये दोनों में चेंज आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एरे की कॉपी बना रहा हूँ जब, तो कॉपी बनाने के बावजूद मैं भले कॉपी में चेंज करूँ या ओरिजिनल एरे में चेंज करूँ, चेंज दोनों में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब कौन मुझे बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिन्होंने थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, जो एपटेक के पास आउट हैं, जो यूनिवर्सिटी के चौथे सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, जिन्होंने कल की क्लास ली थी लास्ट यहाँ मेरी, उन सब लोगों से मेरी ये मेरा सवाल है ये। अच्छा चलो अभी तो नमाज का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ के वापस आओ, फिर हम इसको मज़ीद यहीं से डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो भाइयों।